नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में ससुराल में दुल्हन की एंट्री का मामला चर्चा में बना हुआ है। शादी के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन का जब घर में प्रवेश हुआ तो दूल्हे ने तमंचे से दुल्हन से फायर करवाया। इतना ही नहीं, दुल्हन का तमंचा चलाते हुए वीडियो बनाया गया और फोटो भी खींची गई। दुल्हन का ससुराल में प्रवेश तो हो गया लेकिन ये वीडियो और फोटो वायरल हो गयी। एसओ खंदौली विपिन कुमार ने बताया कि ये मामला नाव की सराय का है। यहाँ के रहने वाले एक युवक का हाल ही में विवाह हुआ था। शादी के बाद जब दुल्हन ससुराल पहुंची तो उससे तमंचे से फायर करवाया गया, जिसका वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं। यह मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस टीम जांच के लिए नाव की सराय भेजी गई। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। हालांकि जो फोटो सामने आए हैं उसमें दुल्हन के हाथ में तमंचा है, आसमान की ओर तमंचे की नली करते हुए दूल्हा भी फोटो में दिखाई दे रहा है। दूल्हा और दुल्हन के साथ एक अन्य महिला भी नजर आ रही है, जो शायद आवाज के डर से अपने दोनों हाथों से कान बंद किए हुए हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।